दोस्तों आज बनेगा सोया चंक्स, सोया चिली। ये सोया चंक है, इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के बॉयल करने वाली हूँ। ये शिमला मिर्च मैंने काट के रखा है, दो टमाटर, ये बंधा गोभी मैंने स्क्वायर शेप में काट लिया है, ये टमाटर केचप, ये है सोया सॉस, और ये है रेड चिली जिसको मैं पेस्ट कर लूँगी। ये टमाटर को मैंने मिक्सी में डाला है छोटा करके काट के, इसका पेस्ट बना लूँगी। और ये सोयाबीन जो है ये बॉईल हो चुका है, इसका पानी निचोड़ के फिर इस सोयाबीन को मैं रख लूँगी। ये सोयाबीन को मैंने अच्छे से निचोड़ दिया है, अब इसमें थोड़ा सा चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, गोल मिर्च पाउडर, हाँ ये हो गया है, अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने। अब गैस में मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया, उसमें तेल भी डाल दिया। अब मुझे इस तेल में, तेल गर्म हो चुका है, अब इस तेल में मुझे इस सोयाबीन को फ्राई कर लेना है, सोया चंक्स। बाकी जो सोया चंक्स है इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके फ्राई कर लेती हूँ। तेल को अच्छे से गर्म होना है, इसलिए नहीं तो ये सोया चंक जो है ना एक दूसरे से सट जाएगा, और इसको चलाते रहना है। ये ब्राउन हो चुका है, अब इसको निकाल लेती हूँ मैं। अब इसी में मैं सब्जी बनाने वाली हूँ, तो इसमें थोड़ा सा तेल डाल लेती हूँ। अब इसमें मैं शिमला मिर्च और बंधा गोभी को डाल देती हूँ। इसको हाई हीट में सॉटे करती हूँ। तो मैंने पेस्ट करके रखा था, अब इसमें टमाटर का पेस्ट डालने वाली हूँ मैं। अब इसमें सोया सॉस, अब मैं इसमें कॉर्नफ्लोर, दो चम्मच कॉर्नफ्लोर को पानी में मिला के मैं इसमें डालने वाली हूँ, ये ग्रेवी के लिए है। हाँ ये सब्जी अब बन चुका है, और इसमें अभी मैं सोयाबीन को ऐड कर देती हूँ। Wow.